गाजा में इजरायली सेना के कदम कदम के पीछे मौत मंडरा रही है, और ये मौत कोई और नहीं बल्कि हमास के वो लड़ाके हैं जो अभी तक मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। भले ही आईडीएफ के ऊपर इनका हमला करने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन गाजा में चारों ओर पड़े खंडरों में छिपकर ये लड़ाके आईडीएफ के ऊपर घात लगाकर हमले कर रहे हैं, जिससे इजरायली सेना खौफ में है। गाजा से हर दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कैसे इजरायली फौज अब गाजा में घुटनों पर आती जा रही है। और अब इसी कड़ी में अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के ऊपर खान यूनिस शहर में एक और बड़ा हमला किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके दूर से आ रहे एक इजरायली सेना के टैंक पर बेहद ही चालाकी से और मलबे के कबाड़ के पीछे छिपकर हमला कर देते हैं, और जैसे ही एक रॉकेट टैंक पर लगता है उसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद दो टैंक और आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिनमें से पीछे वाले टैंक पर हमास के कुछ लड़ाके कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर उस पर हमला करने के लिए भागते हैं। इसके बाद ये रास्ते में एक जगह पर बारूद बिछा देते हैं, और जैसे ही आईडीएफ का टैंक वहां आता है वैसे ही बारूद में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टैंक में जोरदार धमाका होता है। इसके बाद एक गली के उस तरफ एक और टैंक खड़ा दिखता है, जिसके ऊपर हमास के लड़ाके रॉकेट दाग देते हैं, जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच इजरायल के एक सैनिक की गाजा में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना के रिजर्विस्ट की उस वक्त मौत हो गई जब एक D9 बुलडोजर पर हमास ने हमला कर दिया। मारे गए सैनिक की पहचान मोती रावेह के रूप में हुई है, जो एक रिजर्व सार्जेंट था। ये सैनिक गिवाटी ब्रिगेड के साथ हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी ऑपरेटर था। दरअसल ये सैनिक एक D9 बुलडोजर के पास खड़ा था, जिसके ऊपर एक एंटी टैंक मिसाइल आकर लगी, और इस हमले की चपेट में मोती रावे भी आ गया। आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान 25 जुलाई 2024 को रफा की सड़कों पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस दौरान रफा के ऊपर आसमान में आग की लपटें उठने लगी, और दक्षिणी गाजा की सड़कों पर गोलियों और विस्फोटकों की आवाजें गूंज रही थीं। बड़ी बात यह है कि इजरायली सेना पूर्वी खान यूनिस के कुछ कस्बों में काफी भीतर तक घुस चुकी है, और उसके टैंक केंद्रीय रफा में हवाई हमलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों में ये लड़ाई पूर्वी कस्बों बानीसुएला, अलजाना और अलकरारा पर केंद्रित है, और इजरायली सेना को इस इलाके में 5 इजरायलियों के शव मिले हैं जो 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए थे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से अभी तक इजरायली सेना के 688 सैनिक मारे गए हैं, और इनमें अकेले 328 ऐसे सैनिक हैं जो गाजा में जमीनी हमला शुरू होने के बाद मारे गए।